हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2022 सेट नंबर 4। पेपर कोड है 348 GR का। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू का मतलब ये है कि बहुविकल्पी प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है प्रॉपर हमने इसकी एक सीरीज बना रखी है बेटा। सारे लेक्चर जो अभी तक के अपलोडेड फॉर्म में होंगे वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। हमने 2023 के कंप्लीट 7 सेट देखे और आज हम चौथा सेट देख रहे हैं। मतलब अभी तक के जितने भी लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस पेपर को। पहला क्वेश्चन पूछा गया भ्रूण पोष की कोशिकाएं। अब देखो ये सेट नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन था, एज इट यही क्वेश्चन था, और सेट नंबर 4 में भी आया। जो 3 नंबर सेट में समझा रहा था उस समय मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट बेटा इसका ये है कि ये बीजांड है, बीजांड के बीच में पोलर सेल रहती है और ये पोलर सेल 2n फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? 2n फॉर्म में पाई जाती है। और इसको हम पोलर यानी ध्रुवीय कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, पोलर सेल के नाम से जानते हैं। ये 2n जब फर्टिलाइजेशन होता है तो प्लस n के साथ मिलता है, इसको 1n फर्टिलाइजेशन के दौरान मिल जाता है और ये 3n का निर्माण करता है। और यही 3n भ्रूण पोष के नाम से जाना जाता है। यानी भ्रूण पोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। ये इसका बेटा कॉन्सेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। स्टार बहुत सारे इसमें लगा लो, दिमाग में सेट कर लो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मॉडल नहीं है बेटा, यहां पर मेंडल लिख लेना, गलत लिख गया होगा। मेंडल के एकल संकरण क्रॉस में लंबे और बौने पौधे का जीनोटाइप बताइए क्रमशः। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर आपको जीनोटाइप तो पता होगा 3:1 होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि कई बार यहां पर लिखा हुआ है 1:3 और 3:1, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है तो बेटा एक याद बात याद रखना, जब आपने क्रॉस करवाया था, जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया था तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिली थी। ये बौना था और ये सब लंबे थे। तो यानी इसको हमने 3 कहा, इसको हमने 1 कहा, 3:1 बना। यहां पर क्रमशः पूछा गया, यानी पहले लंबे वाले का बताओगे फिर बौने वाले का बताओगे। हो सकता है कि क्वेश्चन पलट जाए और बौना पहले, यहां पर बौना लिख जाए और यहां पर लंबा लिख जाए तो कंफ्यूजन हो सकती है। तब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1:3 वाला, क्योंकि क्रमशः लिखा है। क्रमशः का मतलब आपको क्वेश्चन में ही पढ़ना पड़ेगा कि कौन पहले लिखा है। लंबा पहले लिखा है तो पहले 3 होगा और बौना बाद में लिखा है तो बाद में 1 होगा। लेकिन यही रिवर्स में रहता तो ये 3:1 भी सही हो जाता। अभी के लिए अगर देखेंगे तो 3:1 सही है। कौन सा वाला? 3:1, क्योंकि लंबा पहले बोला है तो 3:1 तो होता ही है, आपको याद भी होगा। एक संकरण का 3:1 होता है और दो संकरण का कितना होता है फिनोटाइप बेटा? 9:3:3:1। याद रखना, दो संकरण का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही तो सीख रहे हैं आप इस सीरीज में बेटा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं और कहां पर हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस सीरीज का बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, आने वाले समय में आपको पता भी चल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइफाइड के रोग जनक का नाम, ये 2023 में भी क्वेश्चन आया था और ये फिर से 2022 में मिल रहा है। ये यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, टाइफाइड सब 2023 के वीडियो क्या आपने बना लिए हैं क्या? हाँ सर बना लिए हैं भैया, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको मिल भी जाएंगे। ओके, चलो फिर टाइफाइड का रोगजनक वाहक क्या है भैया? रोगजनक क्या है? तो इसको हम बोलते हैं सल्मोनेला। क्या बोलते हैं? सल्मोनेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान ले सकते हो? ठीक है, मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, लक्षण नहीं है, ध्यान देना बेटा, यहां पर नहीं है पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है, ये तो होती है, सही है। रंध्र गर्त में चले जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सबसे गलत हो जाएगा। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो जो मरुस्थली की अगर हम बात करते हैं तो रेगिस्तान से आप तुम ले सकते हो। अगर रेगिस्तान में पानी की होती है कमी तो वहां पर तुम देखोगे तो कुछ ऐसे तुम्हें प्लांट देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे प्लांट देखने के लिए मिलेंगे और इनसे रंध्र चली जाती है, कांटे इसमें आ जाते हैं। तो रंध्रों का
इसमें लिखा हुआ है कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर होते हैं। बेटा रंध्र नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर वाटर लॉस को रोकने के लिए जो रंध्र हैं वो गर्त पर चले गए हैं, यानी धंस गए हैं रंध्र, जिससे वाटर लॉस ना हो। ऑप्शन नंबर लास्ट इसलिए गलत है क्योंकि ये करेक्टर मरुस्थलीय पौधों का नहीं है। आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बहुत सारे सेट अपलोडेड फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, जो नहीं है वो लगातार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फीडबैक के रूप में एक बार हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, कमेंट जरूर करें। एक छोटी सी कमेंट आपके लिए, आपकी एक छोटी सी कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेट पर, जो कि होने वाला है सेट नंबर 5 2022 का। ओके, बाय।